जिसे भी इंजेक्शन लगेगा वो मॉन्स्टर में चेंज हो जाएगा। ओ भाई साहब, ये देखो जंत मैदान में उतर चुका है। हटो, मुझे किसी भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं तो इन सब मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ऐसे ही तैयार हूँ। बॉस, आगे तो काफी सारे राक्षस हैं और आपको मॉन्स्टर में चेंज हो जाना चाहिए। ये राक्षस मेरे से पावरफुल नहीं हो सकते। मोटू जान, वो तो तुम्हें गन से शूट कर रहे हैं। गाइस, ये गधा तो बेचारा इन राक्षस की हद चढ़ गया और मारा गया। और अब बारी है नोबिता की। इन सब राक्षस को मार मार कर तो मैं फाइनली लास्ट में पहुंच जाऊंगा और जीत भी जाऊंगा। उतर के अब तो नोबिता ने भी रन करना शुरू कर दिया है। नोबिता, तुम्हारे पास भी ये सायरन हेड का ऑप्शन है। और तेरे की ये क्या, बॉस की तरह तो नोबिता भी ये गलती कर रहा है। मैं जान की तरह गधा नहीं, और ये मैंने इंजेक्शन लगा लिया, अब तो मैं सायरन हेड बन चुका हूँ। परी परी, नोबिता ने तो इसको क्या गुस्सा मारा। ये राक्षस तो पटक कर इस गंगा जमुना में बह गया। मट्टू 1 2 3 शूट। तुम्हारी ये छोटे बच्चों की खिलौनों जैसी गोलियां मेरे पर असर नहीं करेंगी। और ये लो, मैंने दोनों को भी मार लिया। ये इंजेक्शन लगते ही नोबिता तो इतना पावरफुल कैसे बन गया। यही नहीं, मैं तो फिर से ह्यूमन भी बन सकता हूँ। ये देखो, मैं फिर से ह्यूमन बन गया। पर अभी भी खतरा टले नहीं, आगे तो राक्षस है। और अब मैंने फिर से इंजेक्शन लगाया और मैं तो फिर से सायरन हेड बन गया। और ये देखो, मैंने इन्हें भी मार लिया और मैं तो लास्ट में पहुंचने ही वाला हूँ। चश्मेश नोबिता लास्ट में पहुंच कर कैसे जीत गया, मुझे तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा। अरे बॉस, आप फिक्र मत करो। और ये देखो, इस बार मैं मैदान में उतरा हूँ और आपकी तो ख्वाहिश इस बार पूरी होकर रहेगी। सुनिए, तुम्हारी ड्रीम तक कभी भी नहीं पूरे होने वाले। और ओके, अब मैंने रन करना शुरू कर दिया है। तुम्हें याद है ना, अब तुम्हें एक मॉन्स्टर में चेंज होना है। और ये देखो, तुम्हारे पास सारे रन का ऑप्शन है। ओके, मैं तो इसमें चेंज हो गया। और ये देखो, मैंने राक्षस को मार लिया। क्या बात है, सुनिए, अभी मेरी तरह काफी इंटेलिजेंट हो चुका है। पर एक मिनट, आगे तो काफी ढेर सारे कटर है, अब तुम सुनियो क्या करोगे। सुनियो, मेरी मार तो तुम्हें इस मॉन्स्टर में ही रहना चाहिए ताकि तुम इन कटर को भी अपने हाथों से तोड़ पाओ। ओके बॉस, आपकी लिखी तो सलाहों पर और आप, मैं तो मॉन्स्टर बनकर इन कटर को तोड़ने वाला हूँ। इस गधे की बात सुनकर तो ये सुनियो भी गधा बन गया और इस कटर के हाथ चढ़कर कटा गया। जब गधे की बात सुनोगे तो गधे जैसे ही बन जाओगे। और अब रन करने की बारी है मेरी। क्या बात है, सिंचान ने भी अपरान करना शुरू कर दिया। वैसे सिंचान, तुम्हारे पास तो बहुत ढेर सारी पावर है, इसलिए तुम्हें इस म्यूटेंट में ही रहना चाहिए। मुझे पता है तुम मुझे फूल बना रहे हो। और ये देखो, अब तुम्हें इस मॉन्स्टर में चेंज हो गया। और अब तो ये राक्षस सिंचान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सिंचान ने तो इन्हें क्या ही गुस्सा मारा। वैसे तो इस सायरन हेड को देख कर मुझे लगता है जैसे कोई मुर्दा उठा है। और आगे देख कर, आगे तो काफी ढेर सारे कटर्स हैं। और अब मुझे पता है इन कटर का सामना कैसे करना है। ये देखो, मैं वापस से ह्यूमन में चेंज हो गया। मुझे जल्दी से जंप करनी है, कौन जंप करनी है। और ये देखो, मैंने इनको पार कर लिया। और आगे तो ये मोटू छोटू राक्षस खड़े हैं। और इन्हें मारने के लिए मैं फिर से ये मॉन्स्टर बन गया। ये देखो, मैंने इन्हें मार लिया। और अब तुम्हें जल्दी से जा करना ये फिनिशिंग लाइन पार करनी है। गाइस, क्या ही बात है, मैं तो फिनिशिंग लाइन पार कर दी। और आप लोग भी फटक से लाइक कर दो। मुझे तो रन करने से लिटरली इतना ज्यादा डर लग रहा है। अरे टकले पहुंचा, तुम्हें डरने वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ ना लड़ने के लिए। अरे बॉस, क्या आप तो खुद इन राक्षस से मार खा कर आ गए थे। और आपकी बात, तो हमारे पास बटरफ्लाई का भी ऑप्शन है। पर ये क्या, पहुंचा तो सिर्फ रन नहीं करते जा रहे हो, ये तो किसी भी मॉन्स्टर में चेंज नहीं हुआ। ओके, बटरफ्लाई बनकर तो मैं इनके मिडल से निकल जाऊंगा। ये तो इस बेचारे की बहुत बड़ी भूल थी। और छोटी सी बटरफ्लाई को भी खतरनाक राक्षस ने मार डाला। और अब कोई और नहीं बल्कि रन करने की बारी है डोरीमोन की। वैसे गाइस, मेरी फेवरेट डिश का नाम तो आपको पता ही होगा। तो जब तक डोरीमोन रन कर रहे हैं, आप लोग फटाफट से इसकी फेवरेट डिश का नाम लिख दो। अब डोरीमोन, तुम कैसे सामना करोगे क्योंकि इस बार तुम्हारे पास भी सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। ओके, सबसे पहले इन राक्षस को मारने के लिए मुझे मॉन्स्टर में चेंज होना है। और ये देखो, अब मैं सायरन हेड बन चुका हूँ। वाओ, क्या गुस्सा मारा डोरीमोन ने, तो इसका पुता ही तोड़ लिया। मैं ही सुना था तुम्हें इस मॉन्स्टर में ही रहना चाहिए क्योंकि सारे राक्षस मिलकर भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे। और ओके, ये देखो, मैंने एक और राक्षस को मार डाला। आगे तो लेजर है। और हाँ डोरीमोन, के मॉन्स्टर तो इस लेजर से नहीं गुजर पाएगा। और इसके लिए तो मुझे बटरफ्लाई बनना पड़ेगा। और ये देखो, मैं तो बटरफ्लाई बनकर इस लेजर से बच निकला। वाओ, डोरीमोन ने तो क्या ही मस्त दिमाग यूज किया। और अब ये फिर से मॉन्स्टर बन चुका है क्योंकि आगे राक्षस का सामना इसे करना पड़ेगा। और ये मैंने इनको फिर से घुमा कर दिया और ये सारे इस गंगा जमुना में बह गए। और फाइनली डोरीमोन तो उड़कर लास्ट में पहुंच गया। ये डोरीमोन कौन सी दिशा में चला गया, अब तो इसको वापस आना नामुमकिन हो चुका है। बचाओ, अब मैं लैंडिंग कैसे करूंगा। हर जाओ आगे से, आप रन करने
की बारी है मेरी। पर देखकर बॉस आप इन राकेश से फिर से मत मार खा लेना। और जा मुझे रन करने दो, मैंने तो इस बार बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करी है। उत्तर की बॉस आ गए तो ये दीवार है, आप इसे कैसे तोड़ोगे? मैं तो अपने गुस्से से इस दीवार को तोड़ डालूंगा। ये गधा कहीं का जान तो किसी काम का नहीं निकला और बेचारा इस दीवार से टक्करते ही ना अपना सर फोड़ लिया। और अपना बिटाई है जो की इस राउंड को पार कर सकता है। तो चलो मैंने रन करना शुरू कर दिया और आगे तो वाल है, और अब मुझे ना जल्दी से इस सायरन हेड में चेंज होना है। अरे बॉस क्या बात है, स्नोबी ने तो ये दीवार तोड़ डाली। अरे हम तो जिसे उल्लू समझ रहे थे वो तो इतना इंटेलिजेंट निकला, और अब तो नोबिता इस सायरन हेड बांध कर भाग रहा है। और अब मुझे इन आगे के दो राक्षस को भी मसलना है। इन राक्षस को तो तुमने मार लिया, लेकिन अब इन लेजर का क्या करोगे? और अब मुझे अपने आप को इंजेक्टेड करना पड़ेगा, और ये देखो मैं तो बटरफ्लाई में चेंज हो गया। बोलते नोबिता तो इन लेजर से मरते मरते बचा। और आगे तो कटर्स भी आ रही है, और ये मैंने फिर से इंजेक्शन लगाया, और अब तो मैं इन कटर से भी जंप करके बच निकला। पर देखकर आगे तो ये लेजर फिर से आ रही है, और तुम्हें फिर से बटरफ्लाई बनना है। और ये क्या बॉस, बैटरी तो लास्ट तक सरवाइव कर गया, और ये देखो ये तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने ही वाला है। ओके ये मैंने बटरफ्लाई से जंप की और मैं तो फाइनली लास्ट तक पहुंच गया और जीत भी गया। सुनियो देखकर इस बार तो मैंने सुना है कि नए मॉन्स्टर्स आए हैं। और इन्हें यूज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। और ये देखो अब मैंने रन करना शुरू कर दिया है। अब तुम क्या करोगे? सुनियो इस बार तो सायरन हेड है नहीं। और अब तुम्हारे पास सिर्फ तीन ऑप्शन है, या फिर तुम्हें चिपकली बनना पड़ेगा, या फिर ये मारखोर, या फिर ये मैं नहीं रहना है। ओके मुझे लगता है ना मुझे ये चिपकली बनना पड़ेगा। बेचारा आया तो चिपकली बनकर इनके पाँव के बीच से निकलने, लेकिन इनके पाँव के तले दब कर मारा गया। हेटर सुनियो निकम्मे कहीं के तुमसे छोटा मोटा काम ही नहीं हो पा रहा। और अब देखो मैंने रन करना शुरू कर दिया है। और इस पिंडी को देखते हैं ये कौन सा मॉन्स्टर बनेगा। क्या बात है सिंचाई तो माहौल बन गया, देखते हैं सारे राक्षस को मार पाएगा या नहीं। मुझे देखकर तो इन सारे राक्षस की पैंट गीली हो गई। क्या बात है सिंचाई ने तो आते ही ना इन राक्षस के बीच में ना भगदड़ मचा दी। और आगे भी एक राक्षस है, चलो जल्दी से इसे भी मैं मार देता हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम इन लेजर के बीच से कैसे गुजरोगे? तुम इसकी फिक्र मत करो, मुझे पता है मुझे अब चिपकली बनना है। और ये देखो मैं तो इन लेजर के नीचे से होकर आ गया। क्या बात है सिंचाई जैसा इंटेलिजेंट तो मैंने आज तक नहीं देखा। और आगे तो वाल आ रही है। और ये मैंने मारखोर के सिंह इस दीवार को मारे, और ये क्या आगे तो राक्षस भी है। और फाइनली इस दीवार को तोड़कर इस राक्षस की बैंड बजाकर सिंचाई तो फाइनली लास्ट में पहुंच गया। ओके अब रन करने की बारी है मेरी, और ये देखो मैंने रन करना शुरू कर दिया है। अरे टकले देखकर आगे तो वाल आ रही हो, तुम्हें जल्दी से माहौल में चेंज होना है। क्या बात है बच्चन की, तो ये एक सिंह लगने से ये दीवार तो टूटती फूटती जा रही है। क्योंकि मैंने कोरवाल को मारा, अब तो मैं बहुत प्रैक्टिस के साथ आया हूँ। और अब तो वो चैन के ऊपर ये गोलियां भी असर नहीं कर रही। तुम लोगों ने मुझे बहुत शूट कर लिया, अब तो मेरा बदला लेने की बारी है। राक्षस को मारने तक तो ठीक है, लेकिन आगे तो कटर आ रहा है, अब तुम्हें क्या करना है? और ये इसने अपने आप को इंजेक्ट किया, या तो छोटी चिपकली बन गया। और वाओ ये मैं क्या देख रहा हूँ, इस चिपकली को तो इन कटर ने काटा ही नहीं। ये तो कोई अजीब ही चिपकली थी जो की इन कटर से भी बाहर निकली। ओके अब मुझे फिर से इंजेक्टेड होना है और इस दीवार को तोड़ना है। और ये देखो मैंने इस दीवार को तोड़ कर राक्षस को भी मार डाला। वैसे बोचैन को तो इसकी किस्मत ने फुल सपोर्ट किया, वरना मैं तो समझा था कि ये बीच रास्ते में ही कहीं पर मार जाएगा। और ओके ये देखो मैं तो सबको तोड़ ताड़ कर लास्ट तक पहुंच गया और जीत भी गया। और अब लास्ट में रन करने की बारी है मेरी। तो गाइस आपको पता ही है ना आपको क्या करना है, जल्दी से लाइक चिपका दो, और हाँ 1500 लाइक्स तो हो जाना ही चाहिए। और अब इनका कुकच्चा खाने के लिए मैं मारखोर में चेंज हो गया। और फाइनली डोरेमोन का तो एक एक सिंह इन राक्षस को ठिकाने लगाने के लिए काफी था, उसने तो वाल भी तोड़ डाली। इस बार तो मैं सुना ये लास्ट राउंड सबसे मुश्किल है, इस बार तो डोरेमोन मुझे लगता है इसे पार नहीं कर पाएगा। और अब देखते हैं डोरेमोन कटर के बीच से गुजर पाएगा या फिर नहीं। और अब मैंने अपने आप को इंजेक्टेड करके ह्यूमन में चेंज कर लिया, और ये देखो मैं कितनी अच्छी तरह से जंप करते जा रहा हूँ। और ये मैंने लास्ट जंप की और मैं तो इस पार आ गया। मैं उठ पहाड़ के नीचे गया। ये राक्षस कहाँ से आ गया? अरे गधे अकल के अंदर तुम्हारी आ गई, या फिर लाल टमाटर इतना बड़ा राक्षस तुम्हें नजर नहीं आया और बेचारा मर गया। तो चलो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर मस्त लगी है तो फटक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।